एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स एंड वाई इसे आप मान लो एक्स एंड वाई पॉइंट को पी पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इसे आप मान लो ए 36 एंड इसे आप मान लो बी पॉइंट -3 जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे हम करेंगे पी पॉइंट ए पॉइंट ए बी पॉइंट ए इक्वल डिस्टेंस है तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे तो हमारे पास गिवन क्या दिया है ए पी इक्वल टू बी पी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे इसकी वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वेयर कैसे आया एक्स टू माइनस एक्स वन ए पॉइंट कौन सा हमारे पास 36 एंड पी पॉइंट हमारे पास क्या है एक्स वाई तो एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन तो यहाँ पर मैंने पुट किया इक्वल टू बी पी बी पॉइंट हमारे पास कौन सा है माइनस थ्री फोर एंड पी पॉइंट हमारे पास कौन सा है एक्स और वाई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स यहाँ पर क्या है माइनस थ्री माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे ही तो यहाँ पर वाई माइनस फोर का होल स्क्वेयर उसके बाद बोथ साइड हम करेंगे स्क्वेयर तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वेयर यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वेयर यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई माइनस फोर का होल स्क्वेयर तो हम लगाएंगे ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला वो क्या था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री का स्क्वेयर नाइन माइनस टू एक्स थ्री प्लस यहाँ पर वैसे ही लगाएंगे वाई का स्क्वेयर सिक्स का स्क्वेयर टू एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पर भी वैसे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वेयर थ्री का स्क्वेयर क्या आएगा थ्री स्क्वेयर लिख लो नाइन आ जाएगा वैसे प्लस प्लस में क्या होता है यहाँ पर प्लस का साइन आ जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा टू ए क्या है हमारे पास एक्स बी हमारे पास क्या है थ्री प्लस वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर क्या है हमारे पास फोर स्क्वेयर माइनस टू ए बी तो उसका हम निकालेंगे अब सोल्यूशन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन ये आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स वाई स्क्वेयर 36 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 ये आ जाएगा 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8y तो जो कटता है वो काट दो जो रहता है वो रहने दो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों साइड है तो कट जाएगा यहाँ पर 9 है तो 9 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y तो आप सारी फिगर हुई एक साइड कांस्टेंट एक साइड एक्स वाई वाली फिगर एक साइड यहां पर आ गया माइनस 6x माइनस 12y यहां पर माइनस 6x ये इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 8y ये चला जाएगा इस साइड उसके बाद माइनस 3 माइनस 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस 12x ये क्या आ जाएगा माइनस 12y प्लस 8y क्या आ जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 16 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 20 तो यहाँ पर दोनों में माइनस क्या कॉमन निकल रहा है तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस से माइनस कैंसिल तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है 4 4 निकालो बाहर तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस वाई यहाँ पर क्या है 20 तो ये कट जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5 तो 5 हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड अदरवाइज अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हो नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 यही है इसका आंसर।